एप्पल ने इंडिया में अपना नया आईफोन 13 प्रो लॉन्च कर दिया है, जिसका प्री ऑर्डर 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो कि 5:30 बजे होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस आईफोन में, क्या इसके प्राइस होगा और क्या इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ कार्तिक भटनागर, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक भटनागर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, जिसमें कि इसमें आपको जो स्क्रीन साइज है वो 6.1 इंच का देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें iPhone 13 Pro Max की, तो उसमें आपको उसका स्क्रीन साइज 6.7 इंच का देखने को मिल जाएगा। तो आगे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले का यूज़ हुआ है, जो कि जाना जाता है एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट, एक अच्छी ब्राइटनेस और अच्छे कलर्स मैनेजमेंट के लिए। और साथ ही साथ में इसमें आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा, जो कि रिफ्रेश करता है पर सेकंड 10 से 120 टाइम तक सभी टाइप के फ्रेम रेट्स। 4 कलर्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सायर ब्लू, सिल्वर, गोल्ड एंड ग्रेफाइट। स्टेनलेस स्टील का इसमें यूज़ किया गया है। साथ ही साथ बात करें इसमें ग्लास की, तो कैरेमिक शील्ड ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव ग्लास है और ये आपको 4 गुना ज़्यादा जो है बेटर ड्रॉप रेजिस्टेंस दे देता है पुराने आईफोन के मुकाबले, जिससे कि आपके फ़ोन के ब्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और इसमें आपको एक अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंस देखने को भी मिल जाता है। इसमें IP68 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वाटर रेजिस्टेंस है और इनकेस अगर आपका फ़ोन पानी में चला जाता है तो उससे जो ख़राब होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और इसमें आपको 5G सपोर्ट और डुअल सिम देखने को भी मिल जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैमरा की, जो कि एप्पल ने दावा किया है कि आईफोन 13 प्रो के कैमरा को अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड मिला है और इसमें एक नेक्स्ट लेवल हार्डवेयर का यूज़ किया गया है, जिससे कि आप अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सुपर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है कुछ नई फोटोज़ और फिल्म मेकिंग टेक्निक्स के लिए, और ये सब पॉसिबल हो पाता है आपके एक फास्ट चिप की वजह से। तो चलिए विस्तार में जानते हैं क्या कुछ खास है इसके कैमरा में। आईफोन 13 प्रो में आपको 3 कैमरास बैक में देखने को मिलेंगे और एक आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। iPhone 13 Pro के कैमरा के साथ आप मैक्रो फोटोग्राफी कर पाएंगे, जिसका कि ऑटो फोकस सिस्टम काफ़ी अच्छा है और इसका जो नया अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे आप 2 सेंटीमीटर तक भी फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आप इस छोटी से छोटी डिटेल को भी काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे, जैसे कि किसी पत्ते को एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में बदलना होगा या फिर ड्रेन ड्रॉप्स को बड़ा करके देखना। आप इसके कैमरे से मैक्रो वीडियो भी शूट कर सकते हैं, जिसमें कि स्लो मोशन और टाइम लैप्स भी इंक्लूड है। iPhone 13 Pro का कैमरा लो लाइट में काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये इसका जो वाइड कैमरा है वो वाइड अपर्चर लेता है काफ़ी अच्छे से, और इसका जो फास्टर सेंसर है वो बिल्कुल नया ऑटो फोकस लेने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। और टेलीफोटो में अब नाइट मोड है। इसका जो वाइड कैमरा है वो 2 गुना ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है फॉर बेटर फोटोज एंड वीडियोज़ के लिए, और इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो कैप्चर करता है 92% ज़्यादा मोर लाइट फॉर बेटर फोटोज एंड वीडियोज़, जिससे कि आपके फोटोज और वीडियोज काफ़ी शार्पर और डिटेल हो किसी भी लाइट में। तो अगर बात की जाए iPhone 13 Pro कैमरा के जूम की, तो उसमें आपको जो नया टेलीफोटो कैमरा है उसके अंदर 77mm का फोकल लेंथ देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जिससे कि आप दूर से ही काफ़ी क्लियर फोटोज़ और वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं। और बात की जाए पास वाले सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए आप पोर्ट्रेट मोड ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बुके देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं स्टूडियो क्वालिटी लाइटिंग इफेक्ट के साथ। और अक्रॉस द सिस्टम आपको 6x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा ज़्यादा फ्रेमिंग ऑप्शन के लिए। इसमें एक नया सिनेमैटिक मोड भी प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आप काफ़ी डेप्थ में शूट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपना फोकस चेंज कर देता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिनेमैटिक मोड ये भी आइडिया लगा सकता है कि कब कोई नया सब्जेक्ट आपकी वीडियो में एंटर होने वाला है, और जब ऐसा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसे फोकस कर देगा, जिससे कि आपकी स्टोरी टेलिंग और भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप फोकस को चेंज कर सकते हैं और बुके के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। इस आईफोन में इंट्रोड्यूस किया गया है फोटोग्राफी स्टाइल्स को। फोटोग्राफी स्टाइल्स में आप अपने पसंदीदा टोन और वार्म सेटिंग्स को अपने फोटोज पर अप्लाई कर सकते हैं। ये और फिल्टर्स से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आपके स्किन टोन्स को बिल्कुल नेचुरल लगता है। एप्पल ने कई सारे प्रीसेट्स भी दिए हैं, जैसे कि वाइब्रेंट, कॉन्ट्रास्ट, रिच, वार्म और कूल, और आप अपने स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप हर बार जो लुक देखना पसंद करते हैं। अब आप शूट, एडिट और रेंडर सारा काम अपने फोन से ही कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप प्रोग्रेस से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और अपने कंटेंट को डिलीवर भी कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए। इस आईफोन में आपको स्मार्ट HDR4 देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्टिमाइज करता है वीडियो के सभी पार्ट्स को।
जैसे कि मान लो आपकी वीडियो में मल्टीपल लोग हैं, तो वो उसके हिसाब से यूनिक एडजस्टमेंट करता है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है और ISP है वो ऑटोमेटिकली जो है कॉन्ट्रास्ट और स्किन टोन्स को रिफाइन करता है हर एक पर्सन के हिसाब से, जैसे कि सब लोग वीडियो में अच्छे दिखें। तो इसमें आपको डीप फ्यूजन देखने को मिल जाएगा जो कि एनालाइज करता है हर एक पिक्सल को और मल्टीपल एक्सपोजर्स के लिए। जैसे मान लो कि अगर आपके जो शॉट्स हैं वो मिड टू लो लाइट शॉट्स हैं, तो आपको जो डीप फ्यूजन है वो पिक्सल बाय पिक्सल जो है एनालाइज करेगा अलग अलग एक्सपोजर्स को, और आपकी जो फाइनल इमेज होगी उसको डिलीवर करेगा बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स के साथ कि आपको टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा और वाइड कैमरा में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रोमोशन की। जो इसमें नया सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है वो भी प्रोमोशन के साथ, वो रिफ्रेश कर देता है 10 से लेकर 120 टाइम्स तक पर सेकंड सभी टाइप के फ्रेम रेट्स। और इसके अंदर आप ये इंटेलिजेंट देख सकते हैं कि जब आपको ज़्यादा ग्राफिक्स की नीड होती है तो ये उसे अपने आप बढ़ा देता है, और जब आपको ज़्यादा ग्राफिक्स की नीड नहीं होती तो ये उसे अपने आप लो कर देता है। बल्कि ये नेचुरली एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट भी कर देता है आप जो फिंगर से स्क्रॉल कर रहे हो उसकी स्पीड को मैच करने के लिए। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग की। तो इसमें आपको जो 120 GHz का रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है, साथ में आपको इसमें नया 5-core GPU मिल जाता है, वो भी A15 Bionic के साथ, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर देता है। और अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 3095 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छा खासा बैकअप दे देती है। तो दोस्तों अब हम बात करें इसके प्राइस और स्टोरेज की। तो आपको इसमें 1 TB तक का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,19,000, जो कि है 125 GB वाला मॉडल। इससे आगे वाले मॉडल्स की हम बात करें, जैसे कि 256 GB वाला मॉडल, उसका प्राइस है 1,29,000, और इससे आगे बात करें तो 512 GB वाला मॉडल का प्राइस है 1,49,900, और जो हमारा सबसे लास्ट मॉडल है वो है 1 TB का, जिसका प्राइस होगा 1,69,900। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड इन करने का सोच रहे हैं तो इसमें आप iPhone 8 या फिर उससे प्लस वाले मॉडल्स का ट्रेड इन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 9,000 रुपीज़ से लेकर 46,120 रुपीज़ तक कम हो सकते हैं। ठीक है गाइस एक क्विक रिकैप लेते हैं। इस फ़ोन को आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं 17 सितंबर 5:30 बजे से, और जो ये अवेलेबल होगा वो है 24 सितंबर को। तो बात करें इसके स्क्रीन साइज की, तो 6.1 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाएगी इस फ़ोन में। इसका जो डिस्प्ले है वो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, वो भी प्रोमोशन के साथ। आगे बात करें तो इसमें आपको 4 कलर्स में ये देखने को मिल जाएगा, जो कि है सायरा ब्लू, सिल्वर, गोल्ड एंड ग्रेफाइट। जो ग्लास यूज़ किया गया है वो है कैरामिक शील्ड का, जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव ग्लास है, और इसमें IP68 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि वाटर रेजिस्टेंस है। बात करें इसके कैमराज की, तो इसमें 3 कैमराज बैक में दे रखे हैं, 1 कैमरा फ्रंट में दे रखा है, जो कि 12 MP का है, और इसमें आपको जो है काफ़ी सारे मोड्स जो है मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि सिनेमैटिक मोड, फोटोग्राफिक स्टाइल्स, प्रोग्रेस वीडियो रिकॉर्डिंग, डॉल्बी विजन HDR रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड सेल्फीज, स्मार्ट HDR पोर्ट, डिफ्यूजन एंड मोड। ठीक है आगे बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, 25% आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी आउटडोर्स में। इसमें कस्टम OLED का यूज़ किया गया है, जो कि एक इनक्रेडिबल रेजोल्यूशन देता है, और काफ़ी अच्छा इसमें आपको कलर्स मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। आपको 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस को देखने को मिल जाएगी अपने HDR फोटोज और वीडियोज के लिए। बाकी इसमें A15 बायोनिक चिप जो यूज़ की गई है, काफ़ी फास्टर चिप है वो भी 5-core GPU के साथ, जो कि आपके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और इसमें बाकी बात करें तो 120 GHz का रिफ्रेश रेट है, तो काफ़ी आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ कर देता है, और चाहे गेमिंग का मामला या फिर यूज करने का मामला, वहां पे आपको बहुत जो है पावरफुल परफॉर्मेंस ये जो है आईफोन दे देता है। और इसमें एडवांस ISP का यूज किया गया है, जिससे कि आप नॉइज रिडक्शन के जो है काफी एडवांस लेवल आप देख सकते हैं। इसमें आपको 1 TB तक का स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि इसका प्राइस स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 1,90,000 में मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फोन है ये एप्पल की तरफ से, और आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।